इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जैसे कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले भी कर चुके हैं, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम लूज और गेन नहीं करते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, बल्कि ये डिपेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लूज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं या लूज़ हो रहे हैं, इस पर डिपेंड होता है। और ये ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि Fe जब S के साथ रिएक्ट करेगा तो FeS बनता है, Cu(I2) के साथ रिएक्ट करेगा तो Cu(I2) बनेगा। देखिए इस प्रोसेस में क्या होगा कि एक एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, दूसरा ले रहा है, देने वाला ऑक्सीडेशन होगा, उसमें ऑक्सीडेशन होगी, और वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उसमें रिडक्शन होगी। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता है। ये न्यू प्रोसेस है रिएक्शन का, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जैसे कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसमें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। दूसरा जैसे कि सोडियम है, सोडियम क्या है, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के यानी डोनेट कर देता है और Na पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है, यानी कि सोडियम क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है, यानी ये होता है ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे कि Fe2 पॉजिटिव है मान लीजिए हमारे पास, अगर Fe ने एक और इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया तो Fe3 पॉजिटिव हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगी ऑक्सीडेशन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया सोडियम में से, Fe2 पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। तो लूज़ करना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना ऑक्सीडेशन होता है, लॉस हो जाना। दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, जबकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि Cl क्लोरीन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन को ले के नेगेटिव चार्ज, Cl नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है, और इस प्रोसेस को ही रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा रिडक्शन। और जो S सल्फर है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर S2 नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है, तो ये होगी रिडक्शन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है रिडक्शन। ऐसे कि Fe, आयरन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या होगा, आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Fe नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसी क्या होता है, इस प्रोसेस को रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। अब ये तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी, यानी कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। अब देखिए इसमें ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। देखिए वो सब्सटेंस जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, या फिर ये कहें जहाँ पर रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, ये भी बोल सकते हैं। जैसे कि Cu(I2) के साथ मिलता है तो Cu(I2) क्रिएट करता है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, Cu क्या करेगा, कॉपर, ठीक है, कॉपर क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, यानी कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए और Cu2 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लिया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं। जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ I2 ने क्या किया, जो Cu कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, आई ने क्या किया, उसके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ठीक है ना, यानी कि 2I नेगेटिव हो गया, यानी गेन करना मतलब उसमें रिडक्शन हो गई। अब ये हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, देखिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो अपने आप ही रिड्यूस्ड होते हैं, ठीक है ना, रिड्यूस्ड होते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो अपने आप में ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। जैसे कि जब जिंक
CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो CuZnSO4 कॉपर सेपरेट हो जाता है और ZnSO4 सेपरेट हो जाता है। अब इस रिएक्शन में Cu क्या होता है, 2 पॉजिटिव होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है। लेकिन जब ये रिएक्शन होती है तो क्या होगा, Cu 2 पॉजिटिव था लेकिन ये सेपरेट हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अलग हो जाएगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके सेपरेट हो जाएगा। और Zn ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को देकर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और CuSO4 के साथ जुड़ जाएगा, यानी Zn 2 पॉजिटिव हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब जिंक ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं कि ठीक है ना कंबाइन होने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये ही रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। दूसरी तरफ कॉपर ने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो गया, कॉपर बन गया, तो यहाँ पे क्या हो रही है, उसने लिए हैं यानी रिडक्शन हो रही है, और इसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। यानी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो अपने आप में रिड्यूस्ड होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो अपने आप में ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, इसलिए इन्हें ऐसे बोलते हैं। अब जैसे कि हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2Na जब Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, यानी ये क्या सोडियम 2Na, सोडियम Cl2 क्या है क्लोरीन। अब 2Na जब Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा, 2NaCl सोडियम क्लोराइड ये प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे अब ये कैसे रिएक्शन हुई है, Na पॉजिटिव होते हैं और Cl नेगेटिव होते हैं। Na क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, Cl नेगेटिव होता है क्योंकि सोडियम जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है क्लोरीन उसे ले लेता है, तो सोडियम क्लोराइड क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, और इसी को ही रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं, ऑक्सीडेशन जो अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। दूसरी तरफ क्लोरीन क्या करेगा, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं ये उसे गेन कर लेगा, तो Cl नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही हैं, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि रिडक्शन हो रही है, इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। ये जो रिएक्शंस होती हैं इन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि रिड मतलब रिडक्शन होती है, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन होती है, इसी वजह से इन्हें रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।